दोस्तों, इस दुनिया में कौन सफल नहीं होना चाहता। हर कोई चाहता है कि वो कम समय में ही ज्यादा सफलता को प्राप्त करे। ऐसे में हर दिन करियर, सक्सेस, लाइफ मैनेजमेंट, थिंक एंड ग्रो रिच जैसी बातें हमें रोजाना सुनने को मिलती है। हर इंसान कम समय में ही ज्यादा सफल होने को लेकर प्रयास करने की बजाय सोचता ही रह जाता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि दोस्तों, कैसे हम अपने दैनिक जीवन में कुछ चीजों में बदलाव लाकर ही सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हाल ही में इस दुनिया को अलविदा कह चुके महान भारतीय धावक मिल्खा सिंह ने भी अपनी आत्मकथा में लिखा है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो दोस्तों, सफलता पाने के लिए हमें सफलता की सीढ़ी पर चढ़ना तो पड़ेगा ही। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लाइफ मैनेजमेंट से संबंधित वो चार चीजें जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में अपनाकर अवश्य ही सफल हो पाएंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो और बताते हैं आपको कि आखिर वो चार चीजें कौन सी है जिन्हें अपनाकर आप अवश्य ही सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, सफल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों में जो सबसे पहले नंबर पर आती है वो है फेलियर का डर। तो दोस्तों, हमें अपने मन से फेलियर के डर को खत्म करना है। हमें काम शुरू करने से पहले ये नहीं सोचना है कि हम फेल होंगे या पास। हमें केवल अपना बेस्ट देना है। किसी काम की शुरुआत करके ही आप अपने डर को खत्म कर सकते हैं। आपको खास बनना है तो कुछ खास करना ही होगा और आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़कर शुरुआत नहीं की तो कुछ सालों बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो खुद को वहीं पाएंगे जहां आप हैं। तो आज से ही शुरुआत करें और फेलियर के डर को अपने मन से निकाल दें। दोस्तों, सफलता पाने के लिए दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि सबसे जरूरी काम को सबसे पहले करें। हमारे जरूरी और महत्वपूर्ण काम इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम गैर जरूरी कामों में उलझे रहते हैं। जो व्यक्ति कुछ करना चाहता है उसे हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सफलता के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप सबसे पहले जरूरी कामों को खत्म करें, अपनी प्राथमिकताएं तय करें और अपना समय गैर जरूरी कामों में ना गंवाएं। दोस्तों, सफल होने के लिए तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप अपनी कमजोरियों को खुद पहचानें। ये काम आगे बढ़कर आपको स्वयं के लिए खुद ही करना है। ये काम आपके लिए कोई दूसरा नहीं करेगा। अपनी शक्तियों का जश्न जरूर मनाएं, लेकिन अपनी कमजोरियों को भी नजरअंदाज न करें। जब आप अपनी कमजोरियों से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे तो असहज महसूस करेंगे। तो इस ग्रोथ के लिए ये जरूरी है कि आप अपनी असहजता को अपनी शक्ति बनाएं। इस असहजता की वजह से ही आप भविष्य में वो बन पाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। उस असहजता की वजह से ही आप जीवन में ज्यादा तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच पाएंगे। दोस्तों, सफलता हासिल करने के लिए जो चौथी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है आपका जुनून। आप जहां पहुंचना चाहते हैं, जो आप जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, उसके प्रति अपने जुनून को कभी कम ना होने दें, बल्कि अपने जुनून को रोजाना बढ़ाते रहें, अपने जुनून का पीछा करते रहें। जब सफलता पाने का जुनून हमारी रग रग में दौड़ेगा तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए हमेशा अपने जुनून का पीछा करें। तो दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो के शुरू में ही हमने आपको बताया था कि सफलता का कोई अल्टरनेट नहीं होता। मेहनत तो आपको आगे बढ़ने के लिए हर कदम पर करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, ऐसी ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए और ऐसी ही अमेजिंग जानकारियों के लिए, ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए बने रहिए टीएनपी इंडिया के साथ। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि समय समय पर हम आपके लिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस लाते रहें।